चरखीदाती नगर परिषद की ओर से भिवानी बाईपास पर बनाए गए डंपिंग पॉइंट पर कचरे का ढेर पहाड़ में तब्दील हो गया। कचरा उड़कर खेत में जा रहा है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा, जिसके चलते किसानों में नाराजगी भी है। किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत कर दी गई है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई फिलहाल नहीं हो रही है। तो चरखीदादरी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कूड़ा का जो ढेर है वो लगातार बढ़ते बढ़ते अब पहाड़ के रूप में नजर आने लगा है। आपको बता दें, डंपिंग पॉइंट पर कचरे का जो ढेर है वो पहाड़ में तब्दील हो गया है, और ये जो कचरा है वो उड़कर आसपास के फसलों में जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत कर दी गई है, परेशानियां भी बता दी गई है, लेकिन फिर भी किसी तरह की फिलहाल अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और साथ ही लोग जो है वो इस कचरे की बदबू से काफी परेशान हो रहे हैं, जिसकी शिकायत की गई है, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है। तो चरखीदादरी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, खेत में उड़कर ये कचरा पहुंच रहा है, जिसका ढेर अब पहाड़ बढ़ चुका है। दादरी नगर परिषद द्वारा भिवानी बाईपास पर एक डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े का ढेर तो क्या यहां पहाड़ नज़र आता है, आप देख सकते हैं कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन निस्तारण के लिए कोई भी जगह नहीं बनाई गई है। जो मशीन लगाई गई थी वो भी उठा दी गई है, और ये जो डंपिंग पॉइंट से कचरा उड़कर किसानों के खेतों में जा रहा है, जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में कूड़ा आने के कारण उनकी फसल खराब हो रही है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। चरखीदादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा।